वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श। व्यूअर्स, आज जो हमने टॉपिक रखा है, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि तकरीबन 750 लोग डूब गए। ये ग्रीक एक कंट्री आती है यूनान, उसके अंदर तो आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन उसके अंदर 350 से ज़्यादा पाकिस्तानी थे और कुछ इजिप्ट के लोग थे, सीरिया के लोग थे, आई थिंक कुछ बांग्लादेश के लोग थे। तो ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये है कि 350 या 750 जो लोग जो डूबे हैं, उनमें से चंद ही लोग बचे हैं। तो वो 750 लोग जो है, वो 750 जो फैमिलियाँ थी, वो बेचारी मतलब रोडों पे आ गई, क्योंकि फी बंदा 30 से 35 लाख रुपया अमाउंट उन्होंने दिया है। किसी ने कर्जा किया, किसी ने अपनी ज़मीन बेची, किसी ने अपना घर बेचा कि चलो बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लेकिन उन बेचारों को ये पता नहीं था कि जी हम मौत के करीब जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमेशा पॉजिटिव भी दिखाते हैं कि भाई फलां चला गया, फलां बॉर्डर क्रॉस किया और वो पहुंच गया। लेकिन आप यकीन करो कि अगर 1000 पीपल है तो उससे 100% लोग जो है बचते हैं, 90% लोग जो है वो डूब जाते हैं या रास्तों में मारे जाते हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, चील वो उनको खा जाते हैं, जंगली जानवर उनको खा जाते हैं। हालांकि अब तो बहुत से यूट्यूबर इन चीज़ों को हाईलाइट भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन बस लोगों के बहकावे में आके और हमारे मुल्क के हालात भी इस तरह से जा रहे हैं। तो दूसरे मुल्कों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, हमारे साथ मिलते जुलते हैं, तो चलो जी हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो बजाय ज़िंदगी बेहतर होने के, उन माँ बाप को सारी ज़िंदगी वो रोता छोड़ जाते हैं। अगर किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं यंग एज में, क्योंकि हमारे जैसे बूढ़े तो वहाँ जाते नहीं हैं, यंग एज के अंदर जो चले जाते हैं। अब यहाँ से मतलब ईजी है, यहाँ से चले जाते हैं कोयटा, कोयटा से आगे ईरान, और वो जो एजेंट जो होते हैं वो मैं समझता हूँ कि उनको इंसान तो कहना ही नहीं चाहिए, हालांकि धरन देव भी उनसे बेहतर होते हैं। इस तरीके से एक जो छोटी सी वैन होती है जिसको वहाँ ड्राला कहते हैं ईरान में, तो उसमें बहुत मुश्किल मैं समझता हूँ कि 15 लोग उसमें बैठे हैं, 50 से 60 लोग उसके अंदर, और वहाँ पक्की सड़क भी नहीं होती है, और इस कदर तेज स्पीड के साथ वो जाते हैं, जो लोग गिर गए सो गिर गए, ठीक है ना, जो गिर गए सो गिर गए। तो उसके बाद जाके उनको किसी वीरान जगह पे रखते हैं, ना वहाँ पानी होता है, ना खाने पीने का सामान होता है। उसके बाद फिर वो डिमांड करते हैं कि जी 5000 रुपये पाकिस्तानी दो वहाँ आपके लिए खाना, तो 2 रोटी ले आते हैं, कुछ उसके साथ सालन वगैरह तो वहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कौनसेप्ट भी नहीं है, वो उनके साथ ले आते हैं। तो 6 से 7 दिन एजेंटों का पता नहीं, वो भूखे वहाँ पर रह जाते हैं। अब वो पहले तो कुछ रूट कुछ और थे, अब बिन गाजी जिस जगह पे भी आप समझते हो, जैसे सीरिया हो गया, यमन हो गया, लीबिया हो गया, इराक, तो वहाँ प्रॉपर कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। तो अब लीबिया का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो उसका कैपिटल है, वो त्रिपोली है, दूसरा जो बड़ा शहर है बिन गाजी, तो वहाँ गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, कोई मतलब वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो ये जो एजेंट वगैरह होते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन और मैं समझता हूँ उनके लिए जन्नत है यही, जाके उन लोगों को वहाँ पर रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आते हैं, इजिप्ट से आते हैं, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, वहाँ पर जाके उन बेचारों को रखते हैं। वो अगर बाहर निकलते हैं, उनके पास मोबाइल है तो मोबाइल छीन लेते हैं, अच्छी अगर उन्होंने जैकेट पहनी हुई है तो वो जैकेट छीन लेते हैं, हत्ता कि उनके शूज़ वगैरह ले लेते हैं, जो पैसे हैं वो भी उनसे ले लेते हैं। तो मतलब ये कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता सवाए अल्लाह के। तो वहाँ से लोग चीखते हैं और वो एजेंट उनको टारगेट करते हैं कि जी पैसे मंगाओ, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पैसे मंगाओ। तो वो बमजबूरी किसी से फ़ोन मांग के फ़ोन करके वो उनको पैसे देते हैं। जब वो मरला आता है तो उनको 6-6 महीने वहाँ पर रखते हैं, उनको वहाँ पर रखते हैं, ना खाना ना पीना।
और जब वो रोड यहाँ से जो ईरान ईरान से टर्की, तो जिस तरीके से एजेंटों का रवैया उनके साथ होता है, तो मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह पाक परवरदगार किसी दुश्मन को भी वहाँ न ले जाए। और जो शख्स जो 30, 35, 25 लाख रुपए दे रहा है, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है यहाँ पाकिस्तान के अंदर या किसी और कंट्री से, मेरे भाई अगर इंडिया से या बांग्लादेश से, तो यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मैं तमाम अपने भाइयों से, मेरी बहुत सी मेरी बहनें भी जाती हैं, तो अपने जिंदगियों को आप लोग बिलावजह इस तरीके से जाया मत करो, क्योंकि जिंदगी रोज रोज नहीं मिलती है। एजेंट हालांकि उनको इस तरीके से मारते हैं, कुंडे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, दूसरे तरीके से उनको टॉर्चर करते हैं, तो उन बेचारों को बिल्कुल उनका जीना जो है अजीर्ण हो जाता है। वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो अगर 700 या 1,000 के अंदर अगर 100 बंदे भी अगर वहाँ पहुँच जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो खुशकिस्मत है। वो एग्जाम्पल पर उसको करते हैं कि देखो जी फलां बंदा पहुँच गया, लेकिन एग्जाम्पल आप ये भी तो देखें ना कि ये 900 बंदे जो मर गए बेगुनाह और बड़ी दर्दनाक मौत, तो ये चीज़ें भी तो आप हाईलाइट करें ना। तो इस वजह से लोग गुमराह होते हैं। तो मैं तमाम अपने बहनों से भाइयों से हाथ जोड़ के, ये जो 25 लाख 30 लाख आप लोग कम अमाउंट नहीं है वो जो आप जाया कर रहे हो, तो मेहरबानी करके अपने मुल्क के अंदर ही कुछ ना कुछ करें। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से आप लोग ज़्यादा कमाओगे। तो अल्लाह पाक आप लोगों को शांत रखे, आबाद रखे, हर मुश्किल से परवरदगार महफूज रखे। और दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनलीगल का तो बिल्कुल मत सोचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।